हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो 10th क्लास का आपका चैप्टर है, क्लास 10th का चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में आज हम कुछ थिंग्स को डिस्कशन करेंगे। ये आपकी क्लास 10th का आपका बेटा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5 है ये आपका, आई थिंक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आज हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की इंट्रोडक्शन लेते हैं कि उसमें क्या कुछ होता है और कौन कौन से उसमें फॉर्मूले एप्लीकेबल होते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी बोलते हैं। ठीक है, तो क्लास 10th का हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर है उसके बारे में बात करते हैं। आपने बेटा बहुत सारी सीक्वेंस देखी होंगी। सीक्वेंस कैसी होती है हमारी? कुछ एक सीक्वेंस हमने जो देखी है वो है जैसे 5, 10, 15, 20, 25, सो ऑन, ये चलती जाती है। या अनदर हम एक और देख लेते हैं, 3, 6, 9, 12, 15, 18, सो ऑन, इट्स रनिंग ऑन। ओके, तो जो ये इक्वेशंस हैं, ये जो सीक्वेंस बोलते हैं इसको हम क्या नेम से बोलते हैं? ये सीक्वेंस कहलाती है हमारी सारी, इसको हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये एक सीक्वेंस है और ऐसे एक अनदर सीक्वेंस है। तो इन सीक्वेंस में आप ध्यान दीजिए कि जो इसका डिफरेंस है बेटा वो सेम डिफरेंस है। जैसे गैप कितने कितने का है इस इक्वेशन में देखा जाए तो 5, 5 का गैप है, नीचे वाली सीक्वेंस में 3, 3 का गैप है। अगर कोई भी सीक्वेंस है और जिनमें गैप सेम होता है तो वो एपी कहलाती है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहलाती है। क्या कहलाती है वो? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस सब में हमारे पास ये जो सीक्वेंस है, गिवन सीक्वेंस जो हमारी है वो किस में है? एपी में है। गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। ठीक है, जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, गैप सेम है, उसको हम एपी के नेम से जानते हैं। अब थोड़ी सी कुछ ट्रिक्स के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। देखिए, जो तो हमारी कोई भी इक्वेशन है, जैसे मैं इस इक्वेशन के बारे में बात कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म इसकी जो है, पहली टर्म, इसको मैं क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी है मेरे पास? 5 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस जो इसका कॉमन डिफरेंस है, जिसको मैं गैप कह रहा हूं, वो कितना है इसमें? कॉमन डिफरेंस इस क्वेश्चन में हमारे पास है 5। ठीक है, तो ये इसका हो गया। या हम दूसरी अपनी इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ये वाली जो मेरी सेकंड इक्वेशन थी, तो सेकंड इक्वेशन में मेरे पास जो फर्स्ट टर्म आई है वो है मेरे पास बेटा, फर्स्ट टर्म कितनी आई है मेरे पास? 3। और जो इसका डिफरेंस है वो कितना आया है? कॉमन डिफरेंस आया मेरे पास इसका, कॉमन डिफरेंस हमारे पास आया इसका 3। ओके, अच्छा, ये जरूरी नहीं कि जो फर्स्ट टर्म है वही डिफरेंस है, फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकती है। तो थोड़े से क्वेश्चंस के ऊपर अगर हम बात करें कि अगर हमारे ये जो टर्म्स हैं इनका कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो क्या कहलाती है? वो इक्वेशन हमारी एपी में कहलाती है, कि वो सीक्वेंस हमारी एपी में है। तो एपी की इक्वेशन की जो जनरल टर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जान लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी क्या है? जो पहली टर्म है उसको ए लिखा जाता है, जो उससे अगली टर्म होती है उसको ए प्लस डी लिखा जाता है, जो उससे अगली होती है उसको ए प्लस 3D के नाम से जाना जाता है, जो उससे अगली होती है उसको ए प्लस 4D के नाम से जाना जाता है, सो ऑन, ये चीज चलती जाती है। एन टर्म मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ अभी इसकी। अभी जो आपके पास चेटा जो पहली टर्म है, इसको हम जो फर्स्ट टर्म है, ये हमारी टर्म नंबर 1 है। माइंड में इसको टर्म नंबर 1 बोलना है। ये हमारी टर्म नंबर 2 है, ये हमारी टर्म नंबर 3 है, और ये हमारी टर्म नंबर क्या है? 4 चल रही है। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, ये हमारे पास जो टर्म आनी थी ए प्लस 3D नहीं आनी थी, ये कितनी आनी थी?
एक उसमें ऐड हो जाना था बेटा। ये ए प्लस डी के बाद किसकी बारी आनी थी, ये ए प्लस 2d आना था और यहाँ पर a प्लस 3d आना था, ठीक है। और अगर हम nth टर्म की बात करें, आप ध्यान दीजिए, t1 है, a t2 है, a प्लस d t3 है, a प्लस 2d t4 है, a प्लस 3d, यानी जो टर्म है वो एक कम होके लिखी जाती है ना, d 3d, ये 4 है, ये 3d है, ये 3 है, ये 2d है, ये 2 है, ये d है, एक कम करके लिखी जाती है। तो जो लास्ट टर्म होगी वो होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी एक कम करके लिखी जाएगी, ठीक है। ये हमारी लास्ट टर्म है, जो कि लास्ट टर्म किससे डिनोट होगी हमारी, इसको हम टी एन डिन से डिनोट करेंगे। तो अगर हमारे पास कोई भी बेटा क्वेश्चन आ जाए तो उसकी हमें सबसे पहले तो पहली टर्म निकाल लेनी होती है। जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी, फर्स्ट टर्म होगी हमारी, फर्स्ट टर्म ये हमारी ए हो जाएगी, और उसके बाद हमारे पास आएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस निकालने का सबसे बेटर तरीका क्या है, कॉमन डिफरेंस अगर आपने किसी भी चीज का निकालना है, किसी सीक्वेंस का, तो आसान सा तरीका है, T2 में से T1 को माइनस कर दीजिए, या फिर T3 में से T2 को माइनस कर दीजिए, या फिर T4 में से T3 को माइनस कर दीजिए। इन सिंपल वर्ड, अगली टर्म में से उससे पिछले वाली टर्म को माइनस कर देना है, ठीक है। तो और हमारी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी जो कि टी एन के साथ लिखी जाएगी, ये क्या होगी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारी nth टर्म कहलाएगी। अब आप मेरी बात ध्यान से याद रख लेना बेटा, ये जो आपका फॉर्मूला है ना, ये वाला फॉर्मूला, इसको अपने माइंड में अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि यही आपका एक फॉर्मूला है जो nth टर्म में बहुत ज्यादा रिपीट होगा। तो फर्स्ट टर्म होगी उसको ए के साथ डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस हम माइनस करके निकाल लिया करेंगे, और टी एन का फॉर्मूला होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब कोई भी क्वेश्चन हम करके देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है 7, 9, 11, 13, so on, ये क्वेश्चन चलता जा रहा है, और हमें कहा है फाइंड इट्स 13th टर्म, 13 नंबर की टर्म को हमें क्या करना है, उसमें ढूंढ के दिखाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर हमने कोई भी करना होगा तो कैसे करना है, हमने इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी इस क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म हमारी हो जाएगी, जिसको हम ए के साथ ही नोट करेंगे, ए हो जाएगा क्वेश्चन में 7, उसके बाद कॉमन डिफरेंस हमने निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे हम, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे T2 में से T1 को माइनस कर लीजिए, या T3 में से T2 को माइनस कर लीजिए, तो 9 में से 7 गए तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया। तो हमने क्या निकालनी है, हमने 13 टर्म निकालनी है यूजिंग एन ए टर्म फॉर्मूला, यूजिंग टी एन का फॉर्मूला था ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो हमें कौन सी एन की जगह टर्म पूछी है, 13 नंबर की टर्म, ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है क्वेश्चन में हमारे पास, 7, 13 माइनस 1 12 आ जाएगा, और डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2, तो 7 12 को 2 के साथ किया कितना आया, 24, और 7 प्लस 24 कितना आ गया बेटा, 31। तो ये हमारे पास कितनी, कौन सी टर्म आ गई, T13, ये हमारा क्या होगा आंसर है। तो किसी भी अगर क्वेश्चन को आपने करना है बेटा, तो इजीली तरीके से उसको करने का मेथड क्या है कि आप उसकी फर्स्ट टर्म को ढूंढ लीजिए, एंड देन उसके बाद उसकी एन टर्म को आप फाइंड आउट कर लीजिए जो भी आपको पूछी गई है, ठीक है। तो ये बेसिक था हमारे इसकी एपी का, कि एपी में ए कौन है और डी कौन है, और उसकी एन टर्म को कैसे फाइंड इट किया जा सकता है। अब हम फर्दर इनके ऊपर हायर लेवल के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन भी करेंगे।